नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी कन्या राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि का मासिक राशि फल जून 2023 को लेकर के। संपूर्ण जून का माह कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, नवग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कितनी सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सतर्क सावधान रहना है, बात आपके स्वास्थ्य की करेंगे, नौकरी व्यवसाय कामकाज की करेंगे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से जून का माह कितना सौभाग्यशाली आपके लिए रहेगा और कौन कौन सी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा में इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए यह वीडियो है, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राशि फल। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, राशि फल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप नाम राशि और लग्न राशि से न देखें बल्कि चंद्र कुंडली से ही देखेगा। और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जून के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है, तो कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं बुधदेव हैं, बुध राहु और गुरु आठवें भाव में मेष राशि में स्थित हैं, सूर्यदेव वृषभ राशि के अंतर्गत भाग्य भाव नवम भाव में स्थित हैं, मंगल और शुक्रदेव कर्क राशि के अंतर्गत लाभ भाव में ग्यारहवें भाव में स्थित हैं, शनिदेव कुंभ राशि में छठे भाव में और केतु तुला राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। एक स्थिति कन्या राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के अंतर्गत चार ग्रहों का राशि प्रवर्तन होगा, तो कब कब परिवर्तन होगा आइए जानते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होगा आपके राशि स्वामी बुधदेव का। 7 जून को बुधदेव मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में जाकर के सूर्यदेव के साथ तिथि बनाएंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 15 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, कर्म भाव दसवें भाव में स्थित होंगे। और 17 तारीख को शनिदेव में परिवर्तन होगा, शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत वक्र गति से संचरण करेंगे यानी वक्री हो जाएंगे। 24 तारीख को बुधदेव पुनः राशि प्रवर्तन करेंगे और वृषभ राशि को छोड़ करके भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और 30 तारीख को मंगलदेव राशि प्रवर्तन करेंगे, मंगलदेव कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में आपके लिए स्थित होंगे। वहीं बात हम चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, मतलब चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2.25 दिन ही रहते हैं और शीघ्र ही राशि परिवर्तन करते हुए चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ भाव में संचरण करें तो निश्चित ही लाभ देने के कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ हो जाए, 6, 8, 12 भाव में संचरण करें, निश्चित ही हमारे लिए नकारात्मक स्थितियां पैदा करने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबके जीवन में ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, आपका घर हो, कार्य क्षेत्र हो, धन के मामले में हो, कहीं ना कहीं आपको कलह क्लेश झगड़े का वातावरण देखने को मिलेगा, मन अशांत रहेगा। तो कौन से ऐसी तारीखें कन्या राशि के जातकों को जून के माह में देखने को मिलेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें जून माह की। 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 और 26 जून कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ तारीखें रहेंगी, लाभप्रद तारीखें रहेंगी। तो वहीं 2, 3, 9, 10, 13, 14, 23, 24, 28 और 29 जून आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो कन्या राशि के जातकों की संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातकों को संपूर्ण जून माह में सतर्क सावधान अवश्य रहना है। राहु बुध गुरु आपके लिए 3 ग्रह 8वें भाव में स्थित हैं, शनिदेव अपनी नीच दृष्टि से 8वें भाव को देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें कन्या राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। आधा शीशी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, अचानक से चोट इत्यादि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है, त्वचा से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा, मौसम के प्रभाव से सर्वप्रथम बचाव रखिएगा और साथ ही साथ हर शनिवार को सोमवार को भगवान शिव मंदिर में जाकर के कच्ची लस्सी भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें, साथ ही काले तिल भी भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें। और इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं,
आपका खान पान शुद्ध नहीं है, तामसिक भोजन करते हैं यानी मांस मदिरा इत्यादि का आप भक्षण करते हैं, तो निश्चित ही सतर्क सावधान रहिएगा, कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अपना खान पान शुद्ध रखिएगा। तो स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। बात आपके कार्य क्षेत्र की करें तो कर्म भाव दसवें भाव के स्वामी आपके लिए बुधदेव बनते हैं। प्रथम सप्ताह बुधदेव आठवें भाव में स्थित होंगे, दो सप्ताह बुधदेव भाग्य भाव में स्थित होंगे और अंतिम सप्ताह बुधदेव कर्म के भाव में ही स्थित होंगे। यहाँ पर सूर्य का भी संचरण होगा तो कुछ उतार चढ़ाव आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन जून माह के अंतिम जो 15 दिन है निश्चित ही आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाले हैं। कहीं ना कहीं सूर्य के संचार से यहाँ पर ऐसे जातकों को लाभ देखने को मिलेगा जो सरकारी सेवाओं के अंतर्गत कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे ही बुध आदित्य योग का निर्माण यहां पर होगा तो बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, अचानक से प्रमोशंस इत्यादि देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ स्थानांतरण के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन सकारात्मक स्थिति में रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से विशेष लाभप्रद स्थितियां बनी हुई है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए चंद्रमा बनते हैं। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च अत्यधिक बढ़ेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लाभ के साधन कम होंगे, भूमि भवन से संबंधित अत्यधिक खर्च हो सकते हैं, कुछ विवादों में भी आप फंस सकते हैं। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, फाइनेंस से संबंधित जितने भी कार्य करते हैं, शेयर मार्केट सट्टा लॉटरी इत्यादि की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित आपका होता है, तो निश्चित ही आपको अचानक से हानि देखने को भी मिल सकती है, तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। जून के माह में इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। बहुत ज्यादा खर्च करने से बचिएगा, शेयर मार्केट सट्टा लॉटरी इत्यादि की तरफ है तो यहां से अपना ध्यान हटाइएगा, कहीं ना कहीं बड़ी हानि होने के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। जून का माह आपके लिए लाभप्रद हो यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय के नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे।